हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बैगन फ्राई लेकर आई हूँ। देखिए अब मैं कैसे बनाती हूँ बैगन फ्राई। इसके लिए मैंने इस साइज के दो बैगन लिए हैं। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट जान लेते हैं, इसमें क्या क्या लगने वाले हैं। यहाँ पर मैंने दो बैगन लिया है, आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है, लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, ये चावल का आटा है जो कि हमारे बैगन फ्राई को कुरकुरा बनाएगा, और ये थोड़ा सा चने का बेसन है, और फिर हम इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे। बस इतना ही आइटम है, नहीं लगता है बैगन फ्राई में। अब मैं आपको बताती हूँ, नॉर्मली बैगन काटते हैं हम लोग चार पीसेस में, या जैसे भी लंबे गोल बनाते हैं। मैं आपको यहाँ एक तरीका बताती हूँ जिससे एक साथ हम ढेर सारा फ्राई एक जॉइंट में बना सकते। सबसे पहले बैगन के ये पार्ट डालेंगे और इस तरीके से बैगन को काटें। आपने देखा, और ऐसे ये पतली स्लाइस होने से बहुत अच्छी फ्राई होती है, कुरकुरी होती है। और आपने देखा कि मैंने इसका जॉइंट साथ रखा है और एक साथ ही कटा, और ये चेक भी हो जाता है कि अंदर में बैगन सड़े हुए तो नहीं है। अब इसे हम पानी में डिप कर देंगे, क्योंकि बैगन में कसापन होता है थोड़ा, तो उसे हमें निकालना ज़रूरी होता है। इस तरीके से दूसरे बैगन को भी कट कर लेंगे और चेक कर लेंगे अंदर कुछ कीड़े वगैरह तो नहीं है, और इसे भी पानी में डिप कर लेंगे। जब तक ये पानी में रहेंगे तब तक मैं इन सब चीज़ों का पेस्ट बना लेती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चने का बेसन लेंगे, ये हमारे पास दो बेसन है, दो बैगन है, तो एक चम्मच चने का बेसन सफिशियंट है। इसमें थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा इसमें चावल का आटा भी मिक्स करेंगे, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डालेंगे। दो स्पून आप दे सकते हैं इसमें अच्छे से, और इसे अच्छी तरीके से पेस्ट बना देंगे। इसमें हल्का पानी मिलाएंगे, इसे बहुत पतला नहीं करेंगे नहीं तो ये बैगन में पकड़ेगा नहीं। इसे थोड़ा गाढ़ा रहना, ये हमारा पेस्ट तैयार है। अब हम इसे बैगन पानी से निकाल देंगे और हर कट्स में इसे अच्छे से डालेंगे। अच्छे से इसमें लगा देना है, इसे आपको दोनों साइड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाहर से इसे अच्छी तरीके से सील टाइप से कर देंगे। इस तरीके से दूसरे बैगन को भी लेंगे, अच्छी तरीके से लगा देंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छा अरोमा देगा, आपके जो चावल के आटे हैं वो इसे क्रिस्पी बनाने का काम करेंगे।
बैगन कहते तो लोग हैं कि इसमें कोई स्वाद नहीं होता, इसकी रेसिपी बहुत अच्छी अच्छी लगती है। आप इसे बहुत तरीके से बैगन को यूज़ कर सकते हैं, बैगन की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ होती है, मैं कोशिश करूँगी आपके आगे लाने की। इस तरह से इसे हम साइड से सील कर देंगे और इसे फ्रिज में 15 मिनट्स मैरिनेट होने के लिए पानी ना छोड़े और ये इसमें स्टिफ हो जाए अच्छे से, सारे मसाले इसके अंदर रह जाएं, और 10 मिनट इसे इसलिए अच्छी तरीके से फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। अब मैं एक पैन ली हूँ, यहाँ पर नॉनस्टिक का पैन मैंने नहीं यूज़ किया, ये फ्लैट पैन है हमारे। नॉनस्टिक में क्या होता है ना, जल्दी पक जाते हैं बैगन, इसमें है क्या बहुत आराम से धीरे धीरे पकते हैं, हमें इसे फ्राई करना है। इसके लिए इसमें पैन को गर्म होने इसमें इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे थोड़ी अच्छी मात्रा में, बहुत ज़्यादा भी नहीं। ये हमारा तेल हीट हो रहा है, तो चेक कर लेंगे तेल अच्छे तरीके से हीट हो रहा है। कच्ची तेल में डाल देने से क्या होगा कि ये तेल एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए तेल का अच्छा गर्म होना बहुत ज़रूरी होता है। ये छोटी छोटी टिप्स पर हमें ध्यान देना चाहिए, कच्ची तेल में अगर ये डाल देंगे फ्राई होंगे लेकिन वो तेल बहुत ज़्यादा सोखेंगे जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा हम मस्टर्ड सीड्स डालेंगे, नमक डालेंगे इसमें। ये बैगन हमने डाल दिया, बहुत अच्छे से फ्राई होते हैं इसमें। बैगन फ्राई तो लगभग सभी लोगों को पसंद होती है, हर जगह अलग अलग मसाले यूज़ किए जाते हैं। मैंने आपको एक सिंपल रेसिपी दिखाया, मैं हमेशा वही यूज़ करती हूँ जो घर में आसानी से मिल सके और हर हाउसवाइफ के लिए आराम रहे कि कोई ये इंग्रेडिएंट्स नहीं मिला हुआ है। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं हल्की डिशेज़ आपके सामने लाऊँ, ऐसी डिशेज़ लाऊँ जो एनी टाइम आपके घर में एक एक सामान हो और आप उसे आसानी से बना। पैन में इसलिए फ्राई करते हैं ताकि हम एक एक स्लाइस को अच्छे तरीके से फैला सकें और ये अच्छी तरीके से पक जाए, इसलिए इसमें पैन में आसानी होती है इसे फैलाने में, इसे आप कढ़ाई में नहीं कर सकते। इस तरीके से फैला देना है सारे पीसेस को और ये फ्लैट पैन में अच्छे तरीके से ऐसे होते हैं, तो हम तक फैल रहे इसे कढ़ाई में ना बनाकर पैन में बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छे से फ्राई करना जरूरी है, पैन फ्राई है तो बंद कर कर से निकाल लिया है। ये देखिए बहुत अच्छा फ्राई हुआ है, बहुत ही क्रिस्पी है। इसमें मैंने चावल का आटा दिया है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और पसंद आए तो लाइक दें, कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।